युवा पीढ़ी पर निबंध। युवा पीढ़ी यानी हमारे देश के नौजवान समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारा आने वाला भविष्य हमारी युवा पीढ़ी की सोच और उनके प्रदर्शन पर निर्भर करती है। युवा वर्ग, जिसे अंग्रेजी में यूथ, यंग जनरेशन कहा जाता है, युवा पीढ़ी में जोश और उमंग की कोई कमी नहीं होती है। वह हमेशा आसमान को छू लेना चाहते हैं, अर्थात कामयाबी के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं। युवा पीढ़ी में भरपूर जुनून होता है कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का। युवा वर्ग में अनोखी काबिलियत होती है कि वह पूरी दुनिया को बदल सके। युवा पीढ़ी पूरे कायनात को बदलने की शक्ति रखते हैं। युवा पीढ़ी के कंधों पर कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। युवा वर्ग अपने हौसले और जुनून को सही मार्ग पर ले जाए तो एक सकारात्मक समाज की रचना कर सकते हैं। युवा पीढ़ी ने समाज के हर क्षेत्र में अपना भरपूर योगदान दिया है। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में उनकी खास उपलब्धियां हैं जो देश को एक नई उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है। वहीं युवा पीढ़ी के कुछ लोगों ने अपनी स्वतंत्रता का गलत फायदा उठाते हुए अपना सर्वनाश कर लिया है। युवा पीढ़ी को अपनी जिम्मेदारियों को धैर्य, लगन और पूरे आत्मविश्वास के साथ निभाना चाहिए। हमारे देश के युवा पीढ़ों ने कई कार्य सफलतापूर्वक किए हैं और देश का नाम रोशन किया है। वह सिपाही बने और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वह इंजीनियर और डॉक्टर भी बने ताकि वह समाज की भली भांति सेवा कर सके। युवा वर्ग के कुछ नौजवान पैसे कमाने के लिए आसान तरीके सोचते हैं। इसी चक्कर में कभी कभी अपना रास्ता भटक जाते हैं और गलत मार्ग की ओर चल पड़ते हैं, जिसके नतीजे भयंकर हो सकते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने हेतु बड़ी उत्सुक रहती है। युवा पीढ़ी निडरता और हिम्मत के साथ हर कठिन परिस्थिति का सामना करने का दृढ़ विश्वास रखती है। युवा पीढ़ी में तर्क करने की काबिलियत बहुत अधिक होती है। वह अपने नवीन विचारों को निडरता के साथ सबके समक्ष रखते हैं, लेकिन जोश में नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जोश में होश खो देना मूर्खता की निशानी होती है। आजकल युवा पीढ़ी में सोशल मीडिया की तरफ झुकाव काफी ज्यादा है। नए नए फोन्स के प्रति आकर्षण और व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे नेटवर्किंग जगहों पर उनका रुझान ज्यादा बढ़ गया है। युवा पीढ़ी में नए नए फैशंस की तरफ भी झुकाव ज्यादा देखा जा रहा है। कुछ नौजवानों में धैर्य और सहनशीलता बिल्कुल कम होती है, जिसकी वजह से वह जिंदगी में गलत निर्णय ले लेते हैं। इसके लिए उन्हें आगे पछताना पड़ता है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल नौजवानों के लिए लाभप्रद साबित हो सकते हैं, जिसका इस्तेमाल वह बखूबी करते हैं। अपने विचारों का सही रूप से आदान प्रदान करना यह उनकी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। अपने नए सुविचारों का तथाकथित समाज में प्रयोग करके समाज को एक नई दिशा की ओर ले जा सकते हैं। युवा वर्ग समाज की नकारात्मक सोच को बदलने की ताकत रखते हैं। बस जज्बा सही होना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी मोबाइल और कंप्यूटर पर ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से वह अपने परिवारों को ज्यादा वक्त नहीं देते हैं। युवा वर्ग को अपने परिवार की उतनी कदर करनी चाहिए जितना वह अपने दोस्तों की करते हैं। हर क्षेत्र का सही उपयोग सही समय पर करना एक जिम्मेदार नौजवान का कर्तव्य है। कुछ नौजवान अपने मनोरंजन और गमों को भुलाने के लिए नशे के पदार्थों का सहारा लेते हैं, जो कि गलत कदम है। अपने परिवार और समाज के प्रति उत्तरदायित्व युवा वर्ग को होना चाहिए।
नशे की दुनिया एक नकारात्मक कदम है जिस पर अंकुश लगाना युवा वर्ग का दायित्व है। विश्व में कई जगहों पर हिंसा का कारण युवा वर्ग है। कभी कभी वह जिंदगी के कुछ पड़ाव में गलत फैसला ले लेते हैं और किसी की भी बातों में आ जाते हैं। हर सही फैसले और कार्य का चुनाव करना भी उनका ही कर्तव्य है। उन्हें किसी भी हाल में अपने संयम को नहीं खोना चाहिए। निष्कर्ष, माँ बाप का भी कर्तव्य है कि जब बच्चे इस उम्र में आ जाए उससे पहले वह गलत और सही के बीच की रेखा को समझा दे और जिससे वह सही फैसला ले सके। इस उम्र में युवा वर्ग बहुत अधिक उत्सुक रहते हैं और जिंदगी के हर पहलू को जानने के लिए हर प्रकार का प्रयोग करते हैं। इसमें नियंत्रण लाना यह युवा वर्ग की जिम्मेदारी है। युवा वर्ग में नौजवानों के अंदर कई प्रतिभाएं होती हैं, जिससे उन्हें पहचान कर सही मार्ग पर जाना चाहिए। उन्हें असफलताओं से घबराकर निराश और बेसब्र नहीं होना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी कल देश का सुनहरा भविष्य बनेगी। सही प्रोत्साहन के साथ उन्हें अपनी जिंदगी और देश की उन्नति को ऊंचाइयों पर ले जाना है।